सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन में जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे घर बैठे नोटिफिकेशन पा सकें। फ्रेंड, आज की ये वीडियो क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखा करें तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कब और कैसे इन्वेस्ट करना है। पहले से आप मैसेज मत किया करिए और वीडियो देखा करिए, आपको वीडियो में सब बताया जाता है कब इन्वेस्ट करना है, कब यस पे लेना है, कब नो पे लेना है। तो वीडियो ध्यान से सुना करें और पूरा देखा करें तभी आपको समझ में आएगा। तो आज का मैच जो होगा ट्रेडएक्स एप्लीकेशन पे, तो उस पर आपको कैसे अब इन्वेस्ट करना है, ये मैचेस हैं, अब आप इस पर इन्वेस्ट कब और कैसे करेंगे, तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो पे मिलने वाली है। और फ्रेंड, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर ले, यहाँ पर आपको फ्री अर्निंग ऐप की वीडियो भी देता हूँ, ठीक है। आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो घर बैठे, ठीक है। और न्यू फैंटेसी ऐप की वीडियो यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, घर बैठे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। कल हमारी स्मॉल लीग की ये टीम थी, अल्ट्रा क्लीनशिप हमने किया था, तो जो फैंटेसी खेलते हैं और लाखों अर्निंग करना चाहते हैं फैंटेसी से, आपको बता दूँ मेरा जो मंथली एवरेज है वो लाख रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट का यहाँ पे यूजर्स कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हो। आपको करना क्या होगा, आपको मैं बता देता हूँ कि मैं इन्वेस्ट जो करता हूँ वो है रॉयल 11, चॉइस 11, विजन 11, फंटाफिट, और मेरी जो सबसे ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट रहती है वो इन ही ऐपों पे रहती है, फंटाफिट पे, रॉयल 11 पे, चॉइस 11 पे। तो यहाँ पे मेरी सबसे हाई इन्वेस्टमेंट रहती है। आप भी अपना लॉस कवर करना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल हमारा टेक्निकल सिवा नंबर 1 जाके ज्वाइन कर लें। और जो भी अभी तक ट्रेडएक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है जाके डाउनलोड कर लें, ठीक है। मेरे रेफर लिंक से डाउनलोड करने पर आपका ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि आपके वैलेट पे 20 रुपीज़ मिल जाएंगे और अपने फ्रेंडों को यदि आप शेयर करोगे तो आपको 25% का ट्रेडिंग फीस मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं अब आज के प्रेडिक्शन की ओर। तो यहाँ पे आज प्रेडिक्स जो मिलने वाली है टोटल रन पे मिलने वाली है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट मैच पे ही कहा था कि 330 का रन यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट बैटिंग पे ही मैंने आपको बताया था जब मैच हुआ था कि यहाँ पे टोटल स्कोर जो होंगे वो 330 प्लस जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, साथ ही पेसर को भी मदद है, और आयरलैंड की रिसेंट फॉर्म जो बैट्समैन है बहुत ही गजब के हैं, तो आप बैट्समैन को फेवरेट मान के यहाँ पर चलिएगा। फर्स्ट मैच पर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ पर जो हुआ था एल टक्कर ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, स्टॉप ने भी 48 रन की पारी खेली, तो रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। पॉल स्ट्रिंग यहाँ पे 3 रन बनाए थे, लुंगी नागरी ने यहाँ पे हर एक मैच पे 3 विकेट का एवरेज लेके चल रहे हैं, तो एक कैप्टन चॉइस हो सकते हैं। जो डिले हैं उन्होंने भी 2 विकेट लिया, वेन पार्नेल 2 विकेट, जॉस लिटिल 1, और यहाँ पे टोटल एवरेज स्कोर ही आप देख लो। मैंने फर्स्ट मैच पे भी आपको बताया था कि मैं इसके बेस पे जो एनालिसिस होती है ना उसके बेस पे आपको मैं टीम प्रोवाइड करता हूँ, अपनी फैंटेसी खेलता हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्स करता हूँ। 10 में से 8 से 9 मैच मेरी राइट प्रेडिक्शन इसलिए होती है, एक आध दो मैचेस होते हैं जो अब भाई टेस्ट जैसे कोई खेलेगा T20 या T10 मैचेस तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वही हो जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैच पे कल न्यूजीलैंड ने कितना धीमी शुरुआत की तो लोगों ने नो पे चलना स्टार्ट कर दिए थे कि न्यूजीलैंड कोलैप्स कर गई है, हार जाएगी न्यूजीलैंड वहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि 144 जो करीब 148 रन के जो टोटल स्कोर बनाए उस पर भी बहुत अच्छा मैच रिकवरी की और इजली विन कर गई। तो ऐसे ही होगा, आप भी आप एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल स्कोर आप चेक कर सकते हैं, तो एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। बॉलिंग फर्स्ट के विनिंग चांसेस हाई हैं, लेकिन इस साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बॉलिंग सभी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका फेवरेट मानी जाएगी, तो यहाँ पे विनिंग जो होगी साउथ अफ्रीका के होने के चांसेस हैं। क्यों हैं, आइए चलते हैं। रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए, आयरलैंड अपने 5 के 5 मुकाबले हारा है, पहले तो इंडिया के खिलाफ हुआ था, इंडिया से मैच हारा हुआ है और न्यूजीलैंड से यहाँ पे मैच हारा हुआ है ये, ठीक है। 3 मैचेस न्यूजीलैंड से, फिर उसके पहले इंडिया से भी हारा था, पूरी सीरीज ही हारता हुआ चला आ रहा है।
T20 का रिकॉर्ड आप देख सकते हो। आयरलैंड के चार मुकाबले हुए हैं जहां पे चारों मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और आप हाई स्कोर देखने को मिलेगा, आपको देख सकते हो हाई स्कोर देखने को मिलेगा। तो यदि फर्स्ट बैटिंग साउथ अफ्रीका आज फिर करती है तो आपको बता दूँ टोटल स्कोर आप यस ले सकते हैं, ठीक है। टोटल स्कोर आप यस के साथ आप जा सकते हैं। और आपको बता दूँ जो ब्रिस्टोल का स्टेडियम है बहुत ही छोटा स्टेडियम है और अच्छे रन बनते हैं। बैटिंग पिच तो है ही, साथ ही छोटा ग्राउंड है। आपने देखा होगा इंडिया जहाँ पे अच्छा टोटल स्कोर 200 प्लस की स्कोर की थी और यहाँ पे आयरलैंड ने भी 200 का स्कोर किया था, वही ग्राउंड है। तो एक अच्छा स्कोर देखने को आपको मिल सकता है और यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कौन अब कैसी आप वो चेक कर सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका के बैटिंग पे भी आप यस ले सकते हैं तो आप ठीक है। टॉस के बाद यदि आयरलैंड करती है तब आप थोड़ी नो के साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बैटिंग अच्छी है, लेकिन स्टार्टिंग में यदि विकेट गिर जाते हैं तो यहाँ पे आयरलैंड शायद 165-330 का रन, मतलब कि टोटल स्कोर जो बनने चाहिए 165 रन बनने चाहिए, हाफ डिवाइड करिए 165 रन बनने चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्स करिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते। अब नीदरलैंड न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं तो टोटल स्कोर की बात करें तो 69% ही रहेगा क्योंकि तो इस मैच पे जो एवरेज स्कोर है उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बैलेंस पिच है फ्रेंड, दे सकते हो स्पोर्ट, यहाँ पे बैलेंस पिच है और यहाँ पे पेसर को ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। आपने देखा होगा फर्स्ट बॉलिंग पे यहाँ पे विंग टिकर हैं तो अच्छा स्कोर देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ न्यूजीलैंड यदि फर्स्ट बैटिंग करती है ना तो 165 रन जा सकते हैं क्योंकि कल का मैच लो हल्के में ले लिए थे, लेकिन टोटल स्कोर जो इसके कारण मैं मात खा जाता हूँ, फर्स्ट मैच भी था लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी और न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा लास्ट के दो तीन ओवर के अंदर वहाँ पे 50 प्लस का स्कोर यहाँ पे न्यूजीलैंड ने कर दिया, करीब 45 प्लस का स्कोर। तो यदि शुरुआत में विकेट नहीं गिरेंगे तो फैन एलम हो गए, गप्टिल हो गए और एडी ग्रेवर हो गए तो ये अच्छे स्कोर बना सकते हैं, तो 165 से ज़्यादा रन बन सकते हैं। तो यदि न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी ना तब आप यहाँ पे यस के साथ आप जा सकते हैं, लोग नो के साथ जाएंगे लेकिन आप यस के साथ जा सकते हैं और जैसे विकेट गिरेंगे आप फिर नोट के साथ जा सकते हो क्योंकि फिर दो तीन विकेट जाएंगे। तो आपने देखा होगा नीशम ने भी एक शानदार पारी खेली, तो एक बहुत अच्छा है। आप यदि कोलैप्स कर जाओगे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे बैटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैलेंस विकेट है इसलिए 160 का एवरेज तो माना ही जा सकता है, ठीक है। और ये जो लास्ट के दो ईयर के जो यहाँ पे टोटल स्कोर की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे जो खेले भी हुए हैं ये मैच नीदरलैंड, तो वो ऐसी ही टीमों के बीच खेले हुए हैं जो यहाँ पे जैसे आयरलैंड हो गई, नीदरलैंड हो गई, बर्मुडा हो गई, ऐसे मैचेस पे उन्होंने खेला हुआ है, ठीक है। तब आप यस के साथ आप ज़रूर जाइएगा, लोग नहीं ले रहे हैं तो आप अभी स्टार्टिंग में यस लोगे ना, और न्यूजीलैंड की यदि बैटिंग आ जाती है तो यस, ये देखिए 28-31 हो गया तो यस में आपका काफ़ी फ़ायदा होगा मैच स्टार्ट होने के पहले ही। तो आप यहीं से 2-3% 4% का प्रॉफिट के साथ बाय सेल करते जाओ और यहाँ पे एक बार इधर लो एक बार इधर लो, जब यहाँ पे आपको डाउन लगे कि ये बढ़ेगा तो आप इस पे ले लो, नहीं तो फिर आप इस पे ले लो, तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है आपको यहाँ से और आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैचेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साउथ अफ्रीका विन अंगे आयरलैंड, तो यहाँ पे आपको बता दूँ साउथ अफ्रीका इजली विन कर ले जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो साउथ अफ्रीका पे आप यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बांग्लादेश विन अंगेस्ट यहाँ पे जिम्बाब्वे के साथ क्या विन कर सकती है, तो आपको बता दूँ कि ये जो मैच हो रहा है वो ODI हो रहा है ना कि T20 मैच, तो ODI पे बांग्लादेश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिम्बाब्वे के मुकाबले। तो ये मैच कहाँ खेला जाएगा उसकी बात कर लेते हैं, ये हरारे स्पोर्ट क्लब हरारे जिम्बाब्वे पे मैच खेला जाएगा। टोटल स्कोर यहाँ पे वेदर रिपोर्ट आप दे सकते हो, पिच रिपोर्ट आप दे सकते हो, पिच जो है वो 290-300 यहाँ पे बन सकते हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच है और आपने देखा भी होगा फर्स्ट डे उस पे, ठीक है। यहाँ पे 24 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा तो एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा। टॉस प्रेडिक्शन जो है तो टॉस प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, तो 3 विन इन कैरिबियन चूज टू फील फर्स्ट, जो भी टॉस जीतेगा वो फील्डिंग करने का फैसला लेगा और वो ही मैच जीतता है। तो यहाँ पे रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को हराई है, ठीक है।
और उसके अलावा आप जो मैचेस हुए थे तो बहुत अच्छा खेली थी, जिम्बाब्वे के साथ भी आप लॉस, एक ही मैच जो बांग्लादेश से अभी मैच हुआ है वही जीती है T20। ठीक है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, प्री टॉस लाइनअप आप चेक कर सकते हो कि आज जो टीम चेंज होंगी, मुस्तफिर रहीम आ गए हैं आपके इस पे। तो जो फैंटेसी खेलना चाहता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, फ्री प्राइम टीम आपको दी जाती है जहां पे आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो प्राइम टीम आप दोनों टीमों के प्लेइंग 11 आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, रहमान हो गए इधर से, अफीक हुसैन हो गए यहाँ से, आपके लिंटन दास, तमीन इकबाल हो गए, ठीक है, मुस्तफिर रहीम भी बहुत अच्छे हो गए, आपके नंबर 4 पे बैटिंग करने आएंगे और बहुत अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब रिसेंट फॉर्म विकेट कीपर मुस्तफिर रहीम की देख लीजिए, काफ़ी अच्छा ODI पे इनका रिकॉर्ड रहा है, तो आप इनके साथ लिंटन दास और रहीम के साथ आप ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और हरारे की एक बैलेंस पिच है अपने, और पेसर को मदद मिलेगी, तो पेसर प्लस बैलेंस पिच मतलब कि विकेट यहाँ पे बैट्समैन को अच्छा मदद मिल सकती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मैच पे एवरेज स्कोर जो रहा है, और यहाँ पे पेसर को जो मदद मिलेगी तो आप उसका भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट के 5 मैचेस का ODI रिकॉर्ड यहाँ पे बताता है कि 2.35 का एवरेज स्कोर हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग टोटल इनिंग तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बॉलिंग फर्स्ट 80% मैच यहाँ पे विन की हुई है, तो हाई इन्वेस्टमेंट आज के इस मैच पे आप कर सकते हो बांग्लादेश के पे, यहाँ पे विनिंग चांसेस काफ़ी हाई हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि बांग्लादेश की यदि बैटिंग आती है तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है इनके पास, तो एक 70 का यस का ऑप्शन और भी हाई जा सकता है, और वहीं यदि जिम्बाब्वे बॉलिंग करती है तो ये 9 का जो है वो और डाउन जा सकता है। तो आपको कब लेना है, आपको दोनों पे इन्वेस्ट, आप यदि जिम्बाब्वे बैटिंग करेगी तब आप यस के साथ चले जाइएगा, ठीक है, और बांग्लादेश करेगी तब भी आप यस के साथ चले जाइए, क्योंकि एवरेज देखा जाए तो आप रिक्स मत लीजिएगा, टोटल प्रॉफिट जो जाएगा वो बांग्लादेश के, आपको बता दूं कि 70% जो विनिंग चांसेस हैं वो बांग्लादेश के हैं, ठीक है, 30% यहाँ पे जिम्बाब्वे के हैं, तो ये आप जा सकते हो, तो एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। और आज के इस मैच पे आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के मैच पे आपको बता ही दिया, 9 पे आपको कब लेके जाना है, कब यस पे लेके जाना है, ठीक है। यदि नीदरलैंड बैटिंग करेगी तो आपको 9 के साथ ही जाना है, तब भी आपका यहाँ पे करीब 35% का प्रॉफिट हो जाएगा, और यदि आप न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी तब आप यस के साथ चले जाएगा। जहाँ तक है कि आज यदि स्टार्टिंग में विकेट नहीं खोएगी तो ये 165 रन तक बना सकती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आई होप कि मेरी ये प्रेडिक्शन आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए, न्यू विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर किया करिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, थैंक फ्रेंड, गुड लक।